मुंगेली जिले के लोमरी में शिव महापुराण आयोजन निरस्त होने और प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने से सभी शिव भक्तों में मायूसी फैल गई है, जिसके चलते शिव भक्तों में आक्रोश की भावना बन गई है। बता दें कि युवा मंडल के द्वारा 2 अगस्त से 8 अगस्त तक पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा आयोजन होना था। सावन के महीने में शिव पुराण कथा और लोरमी के इतिहास में यह भव्य धार्मिक कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में काफी उत्साह का माहौल था। इसके लिए आयोजन समिति के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने से क्षेत्र सहित सभी स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे अभी 2 तारीख को शिव महापुराण कथा होना था, लेकिन यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अपना शासन प्रशासन से अनुमति क्या कारण से नहीं मिल रहा है। और प्रदीप मिश्रा जी भी बोले थे कि 2 अगस्त से 6 अगस्त तक अपने लोरमी में शिव महापुराण का कथा होना था, लेकिन शासन प्रशासन की अनुमति किस कारण से नहीं मिल पाया। और अचानक से प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि यहाँ का जो कथा लोरमी में जो शिव महापुराण कथा होना था वो कैंसिल करके कवर्धा में 4 तारीख से 11 तारीख तक होने वाला है, वहाँ पर चला गया है। तो यहाँ पर जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जितने शिव भक्त हैं, कथा सुनने वाले हैं, सब उनके मन में मानसी छाए। तो मंत्री माननीय तोफान साहू जी, अरुण साहू जी या कलेक्टर महोदय सब यहाँ सब चीज कर सकते थे। अगर व्यवस्था में कुछ ऊंचा नीचा हुआ है उसके लिए डेट भी आगे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज का आश्वासन ही नहीं दिया, सीधा कैंसिल कर दिया। इसे हम पूरी जनता इससे ना बहुत दुखी है, और गवर्नमेंट अपने लोरमी का भी बहुत ज़्यादा अपमान इसमें हुआ है। जितनी भी जनता है इसके लिए सब कोई